नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में आपदा जब भी आती है तो अपने साथ कई लोगों की और उनकी संपत्तियों को तबाही लेकर आती है। बिहार में तो हर साल ही बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्या देखने को मिलती है, जिसमें कई मवेशियों की जान जाने की खबरें भी लगातार सामने आती रही है, जिससे इनके मालिकों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आने वाले समय में आपदा में अगर किसी गाय भैंस की जान जाती है तो अब बाढ़ पीड़ित गाय भैंस को 6 किलो चारा और सहायता मानदर के रूप में 70 रुपए प्रतिदिन मिलने वाला है। छोटे पशुओं के लिए अब 3 किलो चारा और 35 रुपए की मदद भी की जानी है। भेड़ बकरी के लिए 1 किलो चारे का वितरण किया जाएगा। पशुओं की मौत पर मुआवजे को लेकर भी अनुदान की दर की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। दुधारू पशु जैसे गाय भैंस की जान जाने पर 30,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुधारू पशु जैसे कि गाय भैंस की अगर जान आपदा के कारण जाती है तो ऐसे में ही यह राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। ध्यान ये भी रहे कि एक परिवार को 3 पशुओं के लिए ही मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय कांत मिश्र की अध्यक्षता में पशुपालन एवं मत्स्य निदेशालय के वरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें ही आपदा के समय पशुओं और पशुपालकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देने का काम किया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आपदा की घड़ी में पशुपालकों को हर संभव सहायता के लिए 1 हफ्ते के अंदर जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करने का आदेश जारी किया गया है। 15 जून तक सभी तैयारियों को भी अब पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार बाढ़ आदि आपदा में मछुआरों को होने वाले नुकसान की भी भरपाई करेगी। नाव को आंशिक नुकसान पहुंचता है तो मरम्मत के लिए 4100 रुपए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 9600 रुपए दिए जाएंगे। यदि जाल पूरी तरह नष्ट हो जाती है तो 2600 रुपए का अनुदान मिलेगा। थोड़े नुकसान पर 2100 रुपए का प्रावधान है। मत्स्य बीज फार्म के लिए 8200 रुपए प्रति इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। मछली फार्म पुनर्स्थापना और मरम्मत के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। आपदा की मानक संचालन प्रक्रिया की पुस्तिका को सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से विधायक, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, जिला आपदा पदाधिकारी, सभी एसडीओ और मुखिया को उपलब्ध कराने के लिए वितरित की गई है। पशु की जान जाने पर अनुदान कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया को समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचारित प्रसारित कराया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में जिन भी लोगों के गाय भैंस की जान आपदा के कारण जाती है उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करने वाली है कि उन पर पड़ रही दोहरी मार को कम किया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।